एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है और यह मामला सामने आया है अलीगढ़ से, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार मरने वालों में अलीगढ़ HP गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर भी शामिल हैं। इसके अलावा लोधा क्षेत्र के कई ग्रामीणों की भी मौत हुई है। वहीं मामला सामने आने के बाद जांच पड़ताल में पता चला कि कई लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मरने वालों ने गांव के ही एक देसी ठेके से शराब खरीदकर पी थी। बताते हैं कि मामले के तूल पकड़ने से यूपी के सियासी गलियारों में भी हड़कंप मच गया है, जिसके बाद CM योगी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया है कि अगर यह शराब सरकारी ठेके से खरीदी गई थी तो उस ठेके को सीज किया जाए और मामले से जुड़े दोषियों की संपत्ति कुर्क की जाए। साथ ही CM योगी ने अलीगढ़ के अधिकारियों से बात करके पीड़ितों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार के एक्शन में आने के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने देसी शराब के ठेके को सील करा दिया है। इस मामले की जांच के लिए शराब के सैंपल लिए जा रहे हैं, जहां जांच के बाद मौत के मुख्य कारण का पता लगाया जाएगा। इस मामले पर अलीगढ़ के जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है। मामले की जांच जारी है। जांच के बाद जो भी निकलकर सामने आएगा उसी आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 7 लोगों की मौत से ग्रामीण काफी गुस्से में हैं और जल्द से जल्द सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं।